हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नेपाल सीमा पर चीनी साजिश के अपडेट आप तक पहुंचाने का हमारे संवाददाता रणवीर सिंह एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं जो ये बताती है कि नेपाल की गुस्ताखी के पीछे चीन की साजिश है। पेड़ के छांव में लगा टेंट और टेंट में लगी नीली चादर, चादर पर लिखी चीनी भाषा और बंदूक लेकर पहरा देते नेपाल के जवान। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पास भारत नेपाल सीमा की तस्वीर है, जहां चीन की चादर की छांव में नेपाल के सैनिक तैनात हैं। चीन से बढ़ती इन्हीं नजदीकियों के बीच नेपाल भारत को तेवर दिखा रहा है। मैं इस वक्त भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद हूं और ये नो मैन्स लैंड है और नो मैन्स लैंड के ठीक दाहिनी तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये जो बंकर है, ये नेपाल का बंकर है जिसमें आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बंकर है उनमें चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि चीन की तरफ से ये जो बंकर है ये नेपाल को मुहैया कराए गए हैं और इसमें जगह जगह इस तरह से जो बॉर्डर है इसी तरह से चेक पोस्ट लगाए गए हैं जहाँ पर ये जवान बैठे हुए हैं। चूंकि नेपाल का लॉकडाउन है तो इसलिए सामान्यतः न नेपाल के लोग इंडिया में जा सकते हैं न इंडिया के लोग नेपाल आ सकते हैं। इसके लिए जो है ये बंकर बनाया गया है जिसमें नेपाल सशस्त्र सीमा के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो दिख रहे हैं। नेपाल से बढ़ती नजदीकियां ही भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की जड़ है। भारत नेपाल के बीच उत्तराखंड से लगी लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा भारतीय सीमा पर नेपाल विवाद कर रहा है। उत्तराखंड में इस सीमा विवाद का असर भारत और नेपाल की दूसरी सीमाओं पर भी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में खड़े ट्रक और बॉर्डर पर लगी भीड़। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के नेपाल से लगने वाले बॉर्डर की, जहां भारत से नेपाल जाने वाले ट्रक खड़े हैं। क्योंकि हमेशा खुली रहने वाली भारत नेपाल की सीमा अभी बंद है, लेकिन नेपाल के जनता समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे को उम्मीद है कि संबंध सुधरेंगे। दोनों देश का संबंध जब से प्रकृति ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है, जब से भारत और नेपाल पहचाने जाते हैं, तब से दोनों देश के संबंध हैं। इस नाते आप निश्चिंत रहें, इसके संबंध जो है इससे बेहतर होंगे और कायम रहें। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये ब्रजलाल हैं, रहने वाले भारत के हैं लेकिन बेटी की आंख दिखाने के लिए नेपाल जा रहे हैं। बॉर्डर सील है लेकिन ब्रजलाल को उम्मीद है कि दोनों देशों के वर्षों के रिश्ते पर चीनी चादर का ग्रहण बेअसर रहेगा। क्या करने जा रहे हैं? भैया आंख दिखा दे जाते हैं सर, भैया आंख दिखा दे लड़की का आंख दिखा। हाँ, तो अभी तो नेपाल में आवाजाही बंद है, फिर आप यहाँ क्यों आए? अरे भाई नेताजी काला आंखी बंद है, आप जा चल जाएगा कह रहे हैं। हाँ, तो ये आप कहाँ रहते हैं? आप इंडिया में? इंडिया में कुल ही पास मंगलपुर रहे सर। हाँ, तो अभी आप नेपाल कितना दूर जाएंगे अंदर? अरे कितना दूर है डॉक्टर जी, कितना दूर होगा साहजू? हाँ, अस्पताल जाना है। अक्सर आते जाते रहते हैं नेपाल? ना ही बाबा ना आते जाते, यह जरूरी आंख दिखावे का होते नहीं, कौन जरूरी कौन जरूरी नहीं आ रहा। आदर्श नगर पंचायत की तरफ से सभी दोनों देशों के नागरिकों को, चूंकि हमारा भारत और नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है, इसकी मर्यादा को रखते हुए पूरी तरह से हम लोग नेपाल के नागरिकों का भी भोजन, नाश्ता, पानी, मास्क, सैनिटाइजर पूरी तरीके से हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। भारत और नेपाल की कुल सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। इसमें उत्तर प्रदेश से नेपाल का 560 किलोमीटर एरिया लगता है। इसके अलावा उत्तराखंड से 263 किलोमीटर, बिहार से 729 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर और सिक्किम से 99 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है। ऐसे में नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी दल की टुकड़ियां 200-200 मीटर की दूरी पर लगाई गई हैं। मैं जानता हूं कि लेसन नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये हजारों साल पुराना संबंध है भारत और नेपाल का। जो रोटी बेटी का संबंध है आपका, ये पब्लिक टू पब्लिक जो संबंध है, और ये जो हुआ है इसे कुछ समय रहेगा और बाद में फिर और भी हमको लग रहा है संबंध और भी मधुर भी होगा और भी सुंदर होगा। लेकिन चीन के तंबू के नीचे बैठे नेपाल के सशस्त्र प्रहरी दल की टुकड़ियों की सख्त निगरानी और गश्त से नेपाल की मंशा पर भी सवाल तो उठते ही हैं।